हेलो फ्रेंड्स, वी ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन 10 जो है CGST एक्ट में निकला है, जिसमें कि कंपलसरी किया गया है कि फॉर्म GSTR 3B, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको फॉर द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त के लिए आपको फिल करना है। अभी GST के पोर्टल पे फॉर्म GSTR 1 और 2 की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप GSTR 1 तो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उनकी बैकग्राउंड में जो कैलकुलेशंस हैं वो नहीं होंगी। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है, GSTR 3B, जिसमें आपको सिर्फ अमाउंट देनी है। आपको डिटेल्ड में सारी चीज़ें नहीं देनी है, लेकिन वो सभी अमाउंट कैलकुलेट तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको मेन जो है समरी निकल के आएगी। तो चलिए वन बाय वन हम सीखते हैं। आप ये GSTR 3B जो देख रहे हैं, इसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अगर आप टेली सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपको आसानी से ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये सभी चीज़ें कैसे कैलकुलेट होंगी, उसके लिए हमने टैली में एक डिटेल्ड कोर्स तैयार किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और उसको बाय कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं कि कैसे आप GSTR को आप टैली के अंदर में इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए रिटर्न भरने के लिए, उसको आसानी से कैसे आपको मिल पाएगी। तो चलिए फ्रेंड, हम जानते हैं GSTR 3B के बारे में। तो सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पर GSTN नंबर डालना है, लीगल नेम वगैरह डालना है, वो ऑटोमेटिकली आएगा। ये तो जस्ट PDF में फॉर्मेट है। तो सबसे पहला जो है 3.1, ये कॉलम में आपको डालना है डिटेल्ड ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। अगर हम करेंगे, देखिए, आउटवर्ड सप्लाई मतलब कि जो भी हम सेल कर रहे हैं उसके ऊपर में जो भी टैक्स लग रहा है उसकी डिटेल देनी है। दूसरा, कोई भी इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लग रहा है तो उसकी लायबिलिटी भी हमें ही पे करनी है, तो उसकी डिटेल आपको यहां पर देनी है। तो यहां पर कौन कौन सी है, इनको इन्होंने पांच हो गई है इस रो में डिवाइड कर दिया है। अब पहला है आउटवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। यहां पर आपको जो भी आपकी सेल हुई है, जो कि टैक्सेबल सेल है, वो आपको यहां पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू देना है। अगर IGST सेल है तो IGST, सेंट्रल लोकल है तो सेंट्रल और स्टेट की आपको डिटेल यहां पर देनी है, फिगर डालनी है टोटल लेवल पे। सेकेंड है बी, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, मतलब कि यहां पर एक्सपोर्ट और SEZ की जो सेल है वो यहां पर आएगी। सी रो में आएगा अदर आउटवर्ड सप्लाईज, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। GST में तो कवर्ड होती हैं, लेकिन उनके ऊपर में 0% टैक्स लगता है, जैसे कि फूड कुछ आइटम्स हैं उसके ऊपर में लगता है, वो यहां पर आएंगे। तो यहां पर सिर्फ आपको टैक्सेबल डालना है, टैक्स तो उनके ऊपर आएगा नहीं, तो ये ब्लैंक रहेगा। उसके बाद इनवर्ड सप्लाई, अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ मटेरियल बाय किया है, गुड्स ट्रांसपोर्टर एजेंसी से आपने कुछ लिया है, तो उसके ऊपर भी जो भी रिवर्स चार्ज लगेगा उसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ डालनी है, और उसके ऊपर में जो भी टैक्स बनता है वो यहाँ पर डालना है। ये सारी की सारी आपको टोटल फिगर डालनी है, वन बाय वन डिटेल नहीं डालनी है, लेकिन आपको काफ़ी इंट्रीज करनी पड़ेंगी आपको ये डिटेल लाने के लिए। उसके बाद लास्ट में जो बनता है कि जो GST में कवर ही नहीं होता है, जैसे पेट्रोल और डीजल है, वो अभी GST के अंदर में है ही नहीं, लीकर है, अगर वो सेल है तो वो यहाँ पर आएगी। नॉर्मली नॉर्मल बिजनेस में वो नहीं होती है, स्पेशल केसेस में होगी। तो ये होगी आउटवर्ड सप्लाई। उसके बाद है, अब 3.2 में ये बोलता है कि आपने जो टैक्सेबल दी है 3.1 में, अबव डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड डीलर, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्संस और UIN होल्डर्स, उसकी आपको डिटेल देनी है। तो जो भी रजिस्टर्ड डीलर है उसकी डिटेल नहीं देनी है, उसके अलावा आपकी सारे इसमें कवर हो जाते हैं। तो सप्लाईज और इंटरस्टेट के बारे में बात कर रहा है, ये आपसे लोकल के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो यहां पर आपको देना है सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, अनरजिस्टर्ड डीलर, यहां पर उसका स्टेट वाइज आपको देना है किस किस स्टेट में आपने सप्लाई की है, वो आपको डिटेल है। मैं आपको अभी ऑनलाइन जाके भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह से आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है। तो स्टेट वाइज सप्लाई आपको यहाँ पर देनी है, टैक्सेबल वैल्यू और उसके ऊपर कितना आपने IGST पे किया। देन कंपोजिशन स्कीम वाले को अगर आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टेट आ जाएगा उसका, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर UIN होल्डर्स को अगर आपने पे किया है, मतलब सेल की है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद फोर्थ कॉलम में आ जाता है इलिजिबल ITC। इलिजिबल का मतलब है कि कितना आपको
इनपुट क्रेडिट मिलेगा जो आपने परचेज किया है। तो पहला आता है आईटीसी अवेलेबल वेदर फुल और पार्ट। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे अगर आपने कुछ आईजीएसटी पे किया वो यहाँ पर आ जाएगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस आपने ली है उसके ऊपर में आईजीएसटी आपने किया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन वन और टू। तो इसके अलावा अगर कोई भी इनवर्ड आपने किया उसके अलावा आपको जो रिवर्स चार्ज में आपने पे किया है उसकी आप जो इनपुट है वो ले सकते हैं। और इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी, अगर आईएसडी से आपने कुछ इनपुट सप्लाई है तो आप वो ले सकते हैं। ऑल अदर आईटीसी की बात यहाँ पर करता है, यहाँ पर सारा आ जाएगा। अब जो आईटीसी आपको रिवर्स करना है, जो इलिजिबल है, इनइलिजिबल है, मतलब कि जो आपको रिवर्स करना है आप उसको ले नहीं सकते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर आएगा उसकी डिटेल। तो इसके लिए आप डिटेल देखिए कितनी ज़्यादा मांग रहा है कि सारी किस किस पे आप ले सक कौन कौन सी लेने वाली है अवेलेबल है। फिर आपको रूल 42 और 43 आप एक्ट में जाके देख सकते हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, कौन कौन सी आपको रिवर्स करनी है, फिर आपको वो रिवर्स की वैल्यू डालनी है, फिर आपको नेट आ जाएगा, इतना नेट आपको मिलने वाला है, फिर कौन कौन सी इनएलिजिबल आईटीसी हैं, मतलब कि जो आप ले ही नहीं सकते हैं वो आपको यहाँ से माइनस करनी है। तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है आपको लग रहा है, लेकिन टैली अगर आपने सही से यूज़ की है, सही से इंप्लीमेंट किया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही बार में मिल जाएगी। अब आता है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड नील रेटेड और नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज। तो यहाँ पे फ्रॉम ए सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जेम्प्ट और नील रेटेड अगर आपने कुछ परचेजेस की हैं तो आपको यहाँ पर टोटल वैल्यू डालनी है, यहाँ पर इंटर स्टेट और यहाँ पर लोकल डालनी है, यहाँ पर इंटर स्टेट आपको डालनी है। तो सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी डिटेल्स, और सप्लाईज और नॉन जीएसटी सप्लाई, फिर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो जो भी नेट निकल के आएगा यहाँ आईटीसी से कवर हो जाएगा और यहाँ पेबल आ जाएगा, और इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो टीडीएस अभी एप्लीकेबल हुआ नहीं है, टीसीएस भी अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हैं, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पोर्टल पे जाके कि जीएसटी के पोर्टल पे ये कैसे वर्क करेगा। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ये विंडो आएगी, इसके बाद में हमें जाना है सर्विसेज। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे रिटर्न्स और रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड पे आप देखेंगे ये फाइल रिटर्न का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे 17-18 ऑलरेडी आएगा, और यहाँ पर सिर्फ दो ही मंथ अवेलेबल रहेंगे आपको, तो जुलाई को आपको सेलेक्ट करना है। और देन सर्च, सर्च पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो भी डिटेल्स हमने पढ़ी है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे GSTR 1, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे, और ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं मंथली रिटर्न GSTR 3 भी आपको अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अब जो भी हमने वहाँ पर देखा था उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। देखिए 3.1 हमने पढ़ा, 3.2, 4, 5, 5.1 और पेमेंट ऑफ टैक्स, अभी ये हाईलाइट नहीं है, अभी जब आप पेमेंट करेंगे ये तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आएगा। आप इसको भरने के बाद में इसको सेव कर सकते हैं, अभी सबमिशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जब ये सबमिशन का ऑप्शन आ जाएगा तो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, उसके बाद आप इसको DSC डिजिटल सिग्नेचर के साथ में सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप आधार नंबर से जो EVC जनरेट होगा उसके थ्रू आप इसको फाइल कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे 3.1 की डिटेल्स आपके पास में आ गई है, इसको ऑनलाइन भी एक बार देख लेते हैं, इस पर क्लिक करिएगा तो आप देखिए जो भी हमने PDF फॉर्मेट में पढ़ा था वो सभी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। तो यहाँ पर आउटवर्ड की डिटेल जो है वो सारी मैनुअल आपको फीड करना है, तो ये डिटेल्स वन बाय वन आपको पढ़ना है और कन्फर्म कर देना है, यहाँ पर डालना है और यहाँ पर कन्फर्म कर देना है, ठीक है। अब इसको कैंसिल करके वापस आते हैं। ऐसे ही इंटरस्टेट सप्लाईज, इनके बारे में डिटेल में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, आपको इसको टिक करना है और यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। तो आंध्र प्रदेश में आपने कितनी वैल्यू जो है आपने डाली थी, हमने आपको बताया था ना यहाँ पर ये अनरजिस्टर्ड डीलर कंपोजिशन स्कीम और UIN होल्डर्स को आपने जो सप्लाई की है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर स्टेट वाइज देनी है, तो ये एक डिटेल्स आपको अलग से बनानी पड़ेगी, बट ये टैली में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसको आप नीचे जाइए, इसमें आप ऐड करते जाएंगे और रिमूव भी आप कर सकते हैं, तो फिलहाल कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद में हम आएंगे एलिजिबल ITC वाले फॉर्मेट में, तो ये भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज वगैरह सारी डिटेल्स आपको डालनी है, कैंसिल कर देना है। उसके बाद में हम एग्जेम्प्ट वाले पे आएंगे, यहाँ भी आप डिटेल डाल सकते हैं सारी की सारी एज इट इज जैसे हमने बताई है, और अगर कोई इंटरेस्ट या लेट फीस आपके ऊपर लग रही है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड। एंड सबसे बाद में आएगा पेमेंट ऑफ टैक्स, वो अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ये अभी ऑप्शन नहीं है। तो ये था फ्रेंड ऑप्शन, आपको 3B के बारे में हमने बताया कि किस तरह से वो वर्क होगा। अब हम चलते हैं टैली के अंदर में कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें टैली के अंदर में कैसे मिलेंगी। ये हमने टैली ओपन की हुई है, आप देख रहे हैं हमने जो है लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर लिया है 3.6.0.3। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली सारी ट्रांजेक्शन्स आप अगर कर चुके हैं उसके बाद में आपने चेक कर लिया है, जैसा हमने अपने कोर्स में कम्प्लीटली बताया हुआ है। अगर आपने स्टिल हमारा कोर्स नहीं लिया है तो आप नीचे लिंक देख रहे हैं, वहाँ से हमारा कोर्स आप बाय कर सकते हैं, वो ऑनलाइन udemy.com पे भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट vtutorial.com पे, अमेजोन और स्नैपडील पे अवेलेबल है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जाएंगे डिस्प्ले में, उसके बाद आएंगे स्टेट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी, जीएसटी अब देखेंगे, पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था 3B का, इसमें एंटर करेंगे आपके पास में सारे ऑप्शंस आ गए। देखिए 3.1 का ऑप्शन आ गया, 3.2, 4 और 5। अब इसमें हमने क्योंकि एंट्री अभी नहीं की हुई है तो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है, आप यहाँ पर एंटर कीजिए, आपको डिटेल सारी मिलेगी वन बाय वन। आउटवर्ड सप्लाई, इस पे फर्दर एंट्री कीजिए, आपको पूरी डिटेल आपको मिलेगी। ये जीरो रेटेड, आपको यही फिगर आपको वहां पर एक्चुअली में फीड करना है, एलिजिबल आईटीसी। ये सारी जब एंट्रियां आप कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आपने टैली में सभी एंट्रीज ठीक तरीके से की हुई है तो आप कुछ ही मिनट्स और आवर्स में अपने रिटर्न को प्रिपेयर करके फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करें, आप इसको शेयर करें और हमें अपनी सजेशंस दें, आपके क्वेरीज हमें आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, आप हमें ईमेल करके भी बता सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जब कभी भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इमीडिएट आपको उसका मैसेज आ जाएगा और आप उसको देख के लर्न कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।